नमस्कार खामदेव तरुण मित्र मंडल, सार्वजनिक गणेशोत्सव सभी गणेश भक्तों का हार्दिक स्वागत करते हैं। माँ भगवान से भी श्रेष्ठ रूप, प्रेम और करुणा की मंगल मूर्ति। माँ भगवान भी उनके सामने नतमस्तक होते हैं। माँ की महिमा अपरंपार है। अपने बच्चों पर सदैव निस्वार्थ प्यार बरसाने वाली माँ ही होती है। 9 महीनों तक अपने लाल को गर्भावस्था में अपने शरीर का हिस्सा बनाकर ममता से पालती है। कई यातनाएं पीड़ाएं सहकर वो उसे जन्म देती है। बच्चे का जन्म उसके लिए परमोच्च आनंद का पल होता है, क्योंकि वो अब माँ बन गई है, एक पूर्ण परिपूर्ण नारी बन गई है। उसे माँ कहने वाला कोई अपना इस दुनिया में आया है। बच्चा थोड़ा बड़ा होता है, धीरे धीरे चलना सीखता है, चलते चलते गिरता है। रोना सुनकर सारे काम छोड़कर वो दौड़ी चली आती है। मैं रोया तो गिर गया। ना, रोना मत। किसने गिरा है इसे? अच्छा ठीक है, हम उसे मारते हैं। ये लो, अरे हाय, मेरे लाल को मारता है। बच्चा जब स्कूल में जाता है तो उसके पढ़ाई का काम भी माँ के सर पर ही आता है। बेचारी माँ दिन भर ऑफिस में या घर में काम करके थक जाती है, फिर भी बच्चे की पढ़ाई के लिए वो रात रात जागती है। माँ मुझे नींद आ रही है। अब थोड़ा ही तो होमवर्क बाकी है, इतना तो पूरा करना ही होगा, नहीं तो कल टीचर नोट भेजेगी और फिर तेरे पापा गुस्सा करेंगे। चल लिख ना, मैं हूँ तेरे साथ, लिख। A plus B whole square is equal to A square plus B square plus twice AB. शाबाश। और फिर माँ रात रात जाकर बेटे की पढ़ाई लेती है। बस उसकी जिंदगी का एक ही मकसद होता है, बेटे की कामयाबी। बेटा बड़ा होता है, उसे अच्छी नौकरी लगती है, अपनी पहली तनख्वाह लेकर वो माँ के चरण छूता है। माँ माँ कहाँ हो तुम? माँ माँ ये लो मेरी पहली तनख्वाह। बस आपकी मेहनत और संस्कार का ये नतीजा है, आप इससे जो चाहिए वो खरीद लो। मुझे आपके आशीर्वाद दो माँ। जुग जुग जियो और भी तरक्की करो, भगवान तुम्हें हमेशा हमेशा खुश रखे। बस अब मेरा बस एक ही काम बाकी है, तेरे लिए एक प्यारी सी खूबसूरत बहू ले आऊं। क्या माँ, तुम्हें तो हर वक्त मेरी शादी की पड़ी रहती है। वो इंदौर वाले मामा की लड़की कैसी रहेगी? माँ अब मैं क्या बताऊँ माँ, तुम्हें जो पसंद है वही करो, तुम्हारी पसंद मेरी पसंद। आज से यह घर और यह मेरा लाडला बेटा तुम्हारा। ये क्या माँ? तुम ये सब संभालो और मुझे तीर्थ यात्रा जाने दो। नहीं माँ, मैं आपको ऐसे नहीं जाने दूंगी, मुझे भी आपका प्यार चाहिए। बेटे का संसार शुरू होता है, धीरे धीरे बेटा अपनी पत्नी के प्यार में खोने लगता है। और बहू बहू को तो माँ का सिखाना, तौर तरीके बताना खटकने लगता है। वो बेटे पर अपना हक जताने लगती है, उसके लिए माँ तो बस एक सास है। बहू, अरे ये भिंडी की सब्जी क्यों पका रही हो? तुम्हें शायद पता नहीं कि मोहन को भिंडी की सब्जी पसंद नहीं है। ओहो माँ, अब क्या पकाना है क्या नहीं ये भी मुझे आपसे पूछना पड़ेगा। आखिर इस घर की बहू मैं हूँ, मेरा मेरे पति पर कोई हक है या नहीं? लेकिन बहू। माँ मुझे भिंडी बहुत पसंद है और
इन्हें मेरी पसंद पर पसंद है। वे जरूर खाएंगे। नहीं खाएंगे तो मैं खाऊंगी। बहू, ऐसी बातें नहीं करते। अब मुझसे रहा नहीं जाता। सुनो मोहन, तुम्हारी माँ मुझे अब भी बच्ची समझती है। ये मत करो, वो मत करो, मैं तो तंग आ चुकी हूँ। लेकिन बहू, मैंने तो। अब चुप भी करो माँ, रोज घर आकर तुम्हारी बहस सुननी पड़ती है। आज के बाद तुम चुप रहोगी, समझी? और अगर आपको मेरा बनाया हुआ खाना पसंद नहीं है तो आप ही पकाया करो। बड़ी चालाकी से बहू खाना पकाने की जिम्मेदारी माँ के गले में डाल देती है। बेचारी माँ, उसके नसीब में तो इस उम्र में भी आराम कहाँ। एक दिन, मोहन डार्लिंग, आज मम्मी ने कैसे बेहुदा खाना बनाया है, एकदम टेस्टलेस। आज हम बाहर जाकर खाना खाएंगे। ओके डार्लिंग, बाहर जाते हैं। लेकिन बेटा, ये खाना तुम खा लो ना, और बाकी बचा किसी को भी दे देना। ठीक है बेटा, जैसे तुम्हारी मर्जी। चलो। दिन गुजर जाते हैं, माँ बूढ़ी होने लगती है और एक दिन बीमार हो जाती है। लेकिन बेटे के पास माँ को देखने के लिए वक्त नहीं है। बेटा, जरा मेरे पास बैठ, मेरी तबीयत ठीक नहीं है। ओहो माँ, तुम क्या चाहती हो? सारा काम छोड़कर मैं तुम्हारे पास बैठा रहूं? ये बीमारी तो एक बहाना है काम से बचने के लिए। मैं तो इनकी हरकतों को अच्छी तरह से जानती हूँ। माँ, अब ये बीमारी का नाटक छोड़ दो। क्यों तंग करती हो हमें? क्या हमारी खुशी तुमसे देखी नहीं जाती? नहीं बेटा, मैं तो तुम्हें हमेशा यूं ही खुश देखना चाहती हूँ। जी हाँ, माँ तो बेटे को हमेशा खुश देखना चाहती है, लेकिन बेटे का क्या? वो माँ के दुख दर्द को नहीं समझता, या फिर समझ के ना समझ बनता है? ये इतना कैसे बदल जाता है, कमाल है। अचानक एक दिन बेटा बीमार हो जाता है। डॉक्टर्स की रिपोर्ट आती है कि उसकी दोनों किडनियां फेल हो गई हैं। किडनी ट्रांसप्लांट की जरूरत है। वो सबके पास मदद मांगता है, लेकिन कोई भी उसे मदद नहीं करता। दोस्त, रिश्तेदार, यहाँ तक कि उसकी पत्नी भी उसकी मदद नहीं करती। देखो मोहन, तुम्हारे लिए मैं बाकी कुछ भी कर सकती हूँ, लेकिन किडनी ना बाबा ना। जिंदगी भर एक किडनी के सहारे मैं कैसे जीऊंगी भला? बेटा निराश हो जाता है, उसे अपनी मौत सामने दिखने लगती है। बस इतना ही, मेरे जिंदगी में कोई अपना नहीं है, सभी सभी मतलब के साथी है, सभी। नहीं बेटा, जब तक तुम्हारी माँ है तब तक तुम पर कोई आंच नहीं आ सकती। माँ? हाँ बेटा, मेरी एक किडनी तो क्या, सारा शरीर, मेरी जान भी देनी पड़े तो भी मैं हंसते हंसते दे दूंगी। माँ, चल बेटा, अब देर न कर। माँ, ऑपरेशन हो जाता है, बेटे की तबीयत सुधरने लगती है, पर बूढ़ी माँ, इतने बड़े ऑपरेशन से उसकी तबीयत और भी बिगड़ने लगती है। और एक दिन अपने बेटे को जीवन दान देकर, अपनी उम्र उस पर लुटाकर, वो दम तोड़ देती है। माँ, माँ मुझे छोड़कर मत जाओ माँ, मैं अनाथ हो जाऊंगा। मैंने तुम्हें बहुत दुख दिए हैं, तुम्हारा अपमान किया है, मैं पापी हूँ माँ, मुझे इस पाप की सजा दो माँ। कम से कम सेवा का एक मौका तो दो माँ, माँ मुझे फिर से गले से लगा लो माँ, तुम्हारे बगैर तुम्हारा लाल अकेला हो जाएगा माँ। माँ रुक जाओ, माँ रुक जाओ। बेटा, मैं अब चली, मेरा आशीर्वाद हमेशा हमेशा तुम्हारे साथ है बेटा।
भगवान तुम्हें हमेशा सुखी रखे। माँ, 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 नहीं माँ, नहीं। माँ होती है, ईश्वर का रूप होती है, प्यार, माया, ममता तथा त्याग की मूर्त होती है। वो होते हैं किस्मत वाले जिनके माँ होती है। अपने बच्चों की रक्षा के लिए शैतान तो क्या, साक्षात भगवान से भी लड़ सकती है। बच्चों के लिए जीती है, बच्चों के लिए मरती है, बच्चों के खुशी में उसकी खुशी और दर्द में दर्द। माँ के बगैर सब झूठ है। दुनिया की कोई भी शक्ति, सारी की सारी दौलत, सभी रिश्ते नाते माँ की कमी कभी पूरी नहीं कर सकते। गणेश भक्तों, आप चाहे जितने भी बड़े हो जाओ, नाम कमाओ, दौलत बनाओ, लेकिन माँ की निस्वार्थ प्यार को कभी मत भूलना, क्योंकि माँ माँ होती है, माँ माँ है, माँ माँ ही रहेगी।